हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ फेस ऑयल और उसके फ़ायदे शेयर करने जा रही हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की जो कन्फ्यूज़न है अपने फेस के लिए, कौन सा तेल ले जो आपके फेस को सूट करे, आपके फेस को किस ऑयल की ज़रूरत है, तो आपको जो कन्फ्यूज़न होती है वो सब आज इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी और आप बड़े आसानी से अपनी ज़रूरत के हिसाब से फेस ऑयल ले सकते हो। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का फ़ायदा वो भी उठा सके। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको लाइक करने में 1 सेकेंड लगता है और आपकी 1 लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, ताकि ऐसे ही वीडियो हम बना सकें। सो गाइज, अब बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जिस ऑयल की बात करने जा रही हूँ वो है जोजोबा ऑयल। सो फ्रेंड्स, त्वचा की देखभाल के लिए सबसे पसंदीदा तेलों में से एक है जोजोबा ऑयल। इस तेल में अधिक मात्रा में विटामिन बी, ई और जिंक तथा कॉपर जैसे हेल्दी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि आपकी त्वचा को स्वस्थ रखता है और ग्लोइंग बना के रखता है। ठीक है, एक नंबर वन हो गया। टू जो है वो है ग्रेप सीड ऑयल। यह तेल एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, जो कि एक्ने, स्किन ब्रेकआउट से लड़ने में मदद करता है। इसमें मौजूद विटामिन ई और विटामिन सी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। सो जो थर्ड है वो है आमंड ऑयल। आमंड ऑयल से चेहरे की मसाज करने से केवल ग्लो ही नहीं गाइस, इसमें बल्कि दाग धब्बे, डार्क सर्कल, झुर्रियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। बादाम तेल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जो कि स्किन को हेल्दी बनाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। और जो फोर्थ तेल है वो है अनार का तेल। अनार के तेल में पाए जाने वाले फैटी एसिड त्वचा को हाइड्रेट रखने का काम करता है। अनार के बीज से बना ये ऑयल आपको यूवी किरणों से भी सुरक्षित रखता है, आपकी जो यूवी किरणें हैं उससे आपकी स्किन को बचा के रखता है। तो ये हो गया फोर्थ। अब जो फिफ्थ तेल है वो है रोज़ हिप ऑयल। रोज़ हिप ऑयल में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और आवश्यक जितने भी फैटी एसिड हैं सब से भरपूर होता है। यह त्वचा को गहराई से जाके साफ करता है और ये आपके जैसे बाल रहता है ना, बालों को भी जड़ों से मजबूत करता है। तो आई होप 5 ऑयल हो चुके हैं। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो है आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल हमारी त्वचा के लिए एक वरदान है, अगर आप देखें तो, क्योंकि इसमें फैटी एसिड और विटामिन ई जैसे कई सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है। और जो लास्ट बचा है, शायद 7th है भी, ये है रोज़ ऑयल। इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक और एंटी एजेंट गुणों से आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा निखरता है, आपकी उम्र में जो एजिंग की प्रॉब्लम आती है उसे कम करता है और आने से रोकता, यानी कि डिले करता है। रोज़हिप ऑयल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट रिंकल को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। सो गाइस, आई होप आज मैंने आपको जितने भी फेस ऑयल है मैंने उसकी, आपकी जितने भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर दी होंगी। आपको पता लग गया होगा कि आपको, आपकी जो स्किन है उसको आप कौन से ऑयल की ज़रूरत है, और आप बड़े आसानी से अपने स्किन की ज़रूरत के हिसाब से फेस ऑयल को ले सकते हैं। सो ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।